बताओ पंकज का। पवार साहब, राजनीतिक सफर बहुत ही संघर्षमय रहा आपका, जेएनयू से बात करें, एनएसयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आप, फिर हरियाणा कांग्रेस में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, एमपी रहे आप कांग्रेस से, उसके बाद पार्टी छोड़नी पड़ी। अब आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी में आप शामिल हैं और बहुत ही अहम पद पे आप अभी विराजमान हैं, कैसे देख रहे हैं इस सफर को? देखिए, सफर तो हम साधारण परिवार से हैं, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, कोई घर में परिवार में आज तक सरपंच भी हमारे नहीं रहा था, और ऐसे में कुछ विधि विधाता का खेल होता है और कुछ समय परिस्थितियाँ बनती हैं। जब जेएनयू में आए तो ये सोच के आए थे कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, आगे देश की सेवा प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से करेंगे, लेकिन रास्ता बदल गया, राजनीति में इन्वॉल्व हुए, और मैं समझता हूँ कि एक किसान मजदूर फौजी परिवार से जब मौका मिला तो जो देश की समस्याएं थी, किसान की थी, मजदूर की थी, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर देशवासी की जो समस्याएं हैं उसको देखते थे, तो ये था कि एक समय आएगा जब हल करेंगे, और जब मौका मिला कोशिश करी, कोशिश कुछ हद तक कामयाब भी हुई, कई बार रास्ते बदल जाते हैं, तो जो हुआ पहले हुआ वो भी अच्छा, जो आज हुआ है वो भी अच्छा है, और जो आगे हो